खासकर मिडिल क्लास फैमिलियों में जब उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तो आमतौर पर माँ बाप डर जाते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है। पांच चीजें बुद्ध ने कहा, पांच चीजें छोड़ दो, पांच चीजें छोड़ दो। चार उन्होंने कहा, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा चार चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मन, ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाएगा। पहली चीज जो सब 95% लोग ये गलती करते हैं, पहली चीज दूसरों के मन में क्या चल रहा है। सर अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते, दूसरे के मन में, ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है, यह मन को भटकाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। बड़े सारे स्टूडेंट, आज मैं 6 बजे शाम को एक वेबिनार ले रहा था कि मेरे घर वाले, एक खान साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते हैं। भैया ये तुम्हारे घर वाले नहीं, सबके। सबके, और खासकर मिडिल क्लास फैमिलियों में जब उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तो आमतौर पर मां बाप डर जाते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है। ये छोड़ दो सर, सर ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो। सुल्तानपुर बस अड्डे पे, सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां के बस स्टेशन पे एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, तो लड़की एक बैग उस लड़के के पास गई और उसने लड़के को एक तमाचा मारा खींचा। तो जो अगल बगल लोग खड़े थे वो आ गए भाग के तुरंत, ये क्या हुआ मैडम, बोली ये 10 मिनट से मुझे घूरे जा रहा है। बोली मैडम ये अंधा है, इसकी दोनों आंखें नहीं है मैडम, ये बगल में इसका घर है, ये निकला है, कोई ना कोई आ रहा होगा पीछे से इसे कहीं ले जाने के लिए, गली है, गली में उसका मकान था, अवंतिका होटल के ठीक सामने। मैडम ये अंधा है, ये बगल में गली में इसका मकान है मैडम, कोई घर में अंदर। सोचो उस लड़की को कितना पश्चाताप हुआ। दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो, अपने मन को पढ़ो अपने। दूसरा, दूसरी की क्या चीज छोड़ दो कि लोग हंसेंगे। सर उनका धर्म है हंसना, लोग हंसेंगे, अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। तो पता क्यों हंसते हैं, कि बच गए, बच गए, नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं, मंत्री वगैरह हैं, ये सोचते हैं कि लोग मेरे सामने सर झुका रहे हैं, मुझे तुम्हें कोई ना झुका रहा। इनको पता चलता है हारने के बाद, इनको पता चलता है रिटायर होने के बाद, बहुत बुरा पता चलता है सर। ये जितने पद के द्वारा शक्ति वाले लोग हैं, पद, सर जब ये हार जाएं तब आप इनसे मिलो, जब ये रिटायर हो जाएं तब आप इनसे मिलो। कोई नहीं दिखाई पड़ता सर, कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। लोग हंसते इसीलिए कि बड़ा चौधरी बन रहे थे, गावा बन रहे थे, कूद रहे थे। उनका हक है सर, उनका धर्म है हंसना, उन्हें हंसना ही चाहिए। और उस हंसी में एक ऑक्सीजन होती है सर, जब आप कोई काम करते हो और नहीं कर पाते और चार लोग आपके सामने बैठ के हंस रहे होते हैं तो आप उस समय फील करो
कुछ अंदर ही अंदर एक्टिवेट होने लगता है कि अच्छा वो शक्ति है सर, वही ऑक्सीजन है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कमरे में बैठ के रो रहे हैं, हमारे ऊपर हंस दिए, हम प्रीति हमारा नहीं हुआ, हमारी चाची और चाचा सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे, बड़ी अच्छी बात है सर। अगर लोग आप पर नहीं हंसेंगे तो आप मरे हुए हैं। हंसना चाहिए लोगों को, इससे नहीं डरना। तीसरी, एक बहुत खतरनाक काम लोग करते हैं, बहुत खतरनाक, समय काटते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो समय काटते हैं। अरे भगवान, समय तुमको काट रहा है हर पल, तुम क्या समय को काटोगे? समय काटते हैं, समय। मैंने बड़े सारे सर ये गलतियां तो मैंने भी की हैं सर, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा सर, आज मैं इस मंच पे बोलूंगा कि मैंने किया है सर। लेकिन कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा समझदार है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। हम इलाहाबाद में थे, हमारे मित्र थे, मैं उन सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक का लूंगा, वो आजकल इलाहाबाद हाईकोर्ट में लॉयर हैं और वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है वो करे मेरे ऊपर। हम 7 साल एक साथ रहे, बड़ा अच्छा याराना है हमारा, और वो है माननीय अधिवक्ता हाईकोर्ट ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत जी, मोराबाद में रहते हैं इलाहाबाद में। और हम खेलते थे दहला पकड़, डबल दहला डबल हाथ। सर रात रात भर खेलते थे सर, ऐसा लगता था कि कितना समय है हमारे पास, एग्जाम खत्म हो गया, लगता था बस खत्म, दुनिया खत्म, अब एग्जाम खत्म हो गया, दुनिया खत्म। कार्ड्स खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अब तो खैर यूट्यूब, यूट्यूब पे ऐसी ऐसी सीरीज मैंने देखी है, ऐसी ऐसी सीरीज, और उसके व्यूज देखे मैंने। भाभी ने देवर को किया गुमराह, कितना व्यू? 88 लाख, 88 लाख एक महीने में। और वहीं पे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है स्वामी राम द्वारा अश्वनी मुद्रा पर चर्चा, उसके व्यू 1.7 थाउजेंड। अश्वनी मुद्रा एक ऐसी चीज है सर जो आपको सुपर पावर बना दे। 1.7 थाउजेंड व्यूज। और ये देश कहता है कि लोग हमें परेशान करते हैं, सरकारें हमें बेवकूफ बनाती हैं, नेता हमको लूट रहे हैं। तुम्हारा दिमाग मरा हुआ है। गेम खेल रहे हैं, कौन सा गेम है जो बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं? टेंपल रन। चलो टेंपल रन, आपको गेम खेलना है ना, आप चेस खेलो। क्या गेम है सर, आप चेस खेलो, कोई नहीं है ना, इसी मोबाइल पे खेलो, टॉप लेवल पे खेलना। मैं तो हमेशा हार जाता हूं सर, लेकिन क्या क्या मूव्स आती हैं सर, क्या क्या चाल दिमाग में आती है। किताबें पढ़ लो, रीडिंग हैबिट डालो। कोर्स की किताबें जरूरी थोड़ी हैं सर, कोर्स की किताबें, एक से एक किताबें, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स। योग कर लो, ध्यान कर लो, डांस कर लो। अगर तुम यहां समय काटते हो, अब तुम वहीं यह डिसाइड करना कि समय काटना कहां है। अगर तुम यहां समय काटते हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तुम्हें होगा, और अगर तुम यहां समय काटते हो तो तुम तो खत्म हो गए ही हो गए।
समय तुम काटते कैसे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर। समय को तुम कैसे काटते हो यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सर। आज जब कोरोना आया बहुत लोगों ने योगा शुरू किया, अच्छा भैया बहुत लोगों ने ध्यान शुरू किया, एक दिन में सीखोगे? सर ये सारी चीजें, डांस करोगे एक्सरसाइज, चेस खेलोगे मेंटल एक्सरसाइज, रीडिंग करोगे राग दरबारी, द ट्रेन टू पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान डाउनफॉल, दिमाग इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, योग करोगे ऊर्जा बढ़ेगी, ध्यान करोगे दिमाग बढ़ेगा। समय सबको काटना, समय काटना थोड़ी सर, वो तो कट ही रहा है। और चौथा, कह रहे भैया हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, ये मुद्दा लेके बहुत लोग आते हैं। कह रहे भैया राजेंद्र नगर में 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हो तो। पटियाला की डीएम है अभी लेडी, 22 साल की लड़की है, सैफिन आया था दिल्ली, 22 साल। उसके सामने इसी राजेंद्र नगर में 28 साल के भी लड़के थे, 30 साल के भी लड़के थे। सबके जीवन में परिस्थितियां अलग हैं, सोच अलग है। जो तुम्हें 10 घंटा पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है वो हो सकता है किताब में नॉवल रख के पढ़ रहा हो, काली घाटी की चुड़ैल वेद प्रकाश वर्मा। तुम जब भी उसके कमरे के सामने से गुजर रहे हो तुम देख रहे हो कि बैठा पढ़ रहा है, तुमको टेंशन होती है कि यार कितना पढ़ता है यार ये। तुम किसी कमरे में जाते हो पता लगा भैया हैं 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6,000 किताब रखे हैं, आता किसी को कुछ ना हो। सर मैंने हजारों लोगों से बड़े छोटे छोटे सवाल किए जब वो मुझसे मिलने आए, काउंसलिंग करने आए। मैं तो छोटे सवाल करता हूं सर, सुल्तान और बादशाह में अंतर बता दो हैं, सुल्तान और बादशाह में अंतर। अगर आप में से कभी कोई मुझसे काउंसलिंग करने आया होगा, मैंने कभी किसी से बड़ी बात नहीं पूछी, बहुत छोटी। ये चार चीज ध्यान में रख लो और तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा, करके देखो कोई बड़ा नहीं है। मुलायम सिंह यादव अगर यही बात सोच लिए होते कि बड़े बड़े घराने हैं यूपी में, हम एक मामूली से टीचर, यही बात लालू जी सोच लिए होते, यही बात बहन मायावती सोच ली होती, यही बात मोदी जी सोच लिए होते, ये चार चीजें छोड़ दो देखो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हंसने दो लोगों को, मजा लो यार। सिर्फ अप्रिसिएशन ही चाहते हो? मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गया था, 1997-8 की बात है, उनके बड़े भाई ने, शादी में नहीं तिलक में गया था, और तिलक में मैं गया, मेरी गलती थी, मैं गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था, बड़े लोग थे वो, मेरे पिताजी के लिए बड़े लोग थे, मेरी माताजी के लिए, मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। तो मैं उनकी बहन की तिलक में चला गया, उनके बड़े भाई ने, मैं वहां जो सबके बीच में बैठा हुआ था, वहां से हाथ पकड़ के उठवा दिया। सर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे एहसास हुआ, मुझे दुख नहीं हुआ सर, मुझे एहसास हुआ यार ये तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान रहे हैं। मुगलों के खानदान के जो लोग हैं ना,
वो रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक पे, तुम जो करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया से आंख बंद कर लो, अपने ऊपर आंख लगा लो। ये चार चीजें तो बुद्ध ने कही, एक पांचवी चीज मैंने अपनी तरफ से दौड़ ली, शिक्षा को, शिक्षा, एजुकेशन, सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर, प्लीज सर इस बात से बाहर निकल आओ। शिक्षा सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर, शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। जिस दिन ये देश शिक्षा और नौकरी के संबंध को तोड़ देगा, इसको महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस देश में सफलता का पैमाना क्या है? अरे इनका लड़का डॉक्टर हो गया, तुम पता नहीं क्या पढ़ते हो। अरे हो गया माता जी, बहुत अच्छा है पढ़ने में। हमारे बहुत सारे पेरेंट्सों की आदत है दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना। प्लीज शिक्षा का जो अंतिम चरण है ज्ञान का, वो तो आदमी को भगवान बना दे। शिक्षा को नौकरी से मत जोड़ो सर। ये पांच काम आप मत करो।